बात नहीं करने जा रहा हूं। आई नो इट्स स्टिल द लॉकडाउन एंड वी आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस, बट टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिंपल इशू जो कि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स मुझसे यूजुअली पूछते ही पूछते हैं। और ये चार कंडीशंस हैं जो पेरेंट्स मेरे से काफी बार जब उनका छोटा बेबी होता है पूछते हैं, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज फोर कंडीशंस। एंड ऑल्सो आई हैव अ न्यू लुक टुडे। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने नोटिस किया है, बट आज मैं पूरी तरह शेव्ड हूँ, और दिस इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माई बेटर हाफ हु सेज कि एटलीस्ट एक वीडियो तो ऐसा बनाओ जिसमें तुमने अच्छे से शेव कर रखा हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, टॉपिक विच इज ऑल्सो न्यू एंड अ न्यू लुक, प्लीज कमेंट बिलो कि आपको ये टॉपिक और मेरा न्यू लुक कैसा लगा। मे बी आई कीप ऑन शेविंग फॉर फर्दर वीडियोज एज वेल। सो न्यू बॉर्न के अंदर हिकअप्स यानी हिचकियां, न्यू बॉर्न्स के अंदर ग्रंटिंग, न्यू बॉर्न्स के अंदर बबल निकालना और न्यू बॉर्न्स में छींकना, ये चार चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा बेबी छींक रहा है, तो क्या इसका मतलब उसे ठंड लग गई है? नहीं। क्या इसका मतलब है कि वो आगे चल के उसे एलर्जीज होने वाली है बिकॉज हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है एलर्जीज की? नहीं। न्यू बॉर्न में छींकने का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स अगर फैमिली हिस्ट्री है एलर्जीज की तो आगे चल के बेबी को एलर्जीज हो सकती हैं, बट न्यू बॉर्न पीरियड में छोटे बेबी के छींकने से इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर टू, हिकअप्स, हिचकिया। बहुत बच्चों को ये करने में मजा आता है, एंड स्पेशली फीड के बाद जब बच्चे सोने वाले होते हैं या सो जाते हैं। एंड द गुड न्यूज इज दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। हम इंडियंस इसको ये भी मानते हैं कि कई बार हिचके आने का मतलब है कि कोई आपको याद कर रहा है, और ऑफ कोर्स न्यूबॉर्न को तो हर इंसान याद कर रहा है, एवरी रिलेटिव, चाहे वो दादा दादी है, बुआ फूफा है, मामा मामी है, एनीबडी, दे ऑल आर गोइंग टू रिमेंबर द न्यूबॉर्न। तो आई थिंक दिस इज अ गुड वे ऑफ जस्ट मेकिंग श्योर कि आप वरी ना करें। हिचकियां लेना न्यूबॉर्न बच्चे के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। द थर्ड थिंग इज बबलिंग। बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज मुंह में से बबल्स निकालते हैं, राइट? एंड ये क्यों निकालते हैं? एब्सोल्युटली नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं मैं उनसे पूछ नहीं सकता कि आप बबल्स क्यों निकाल रहे थे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट्स प्रॉबेबली अ सॉर्ट ऑफ अ प्ले एक्टिविटी, बच्चे खेल रहे हैं और इस वजह से वो इस चीज को निकालते हैं। दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। और चौथी चीज है ग्रंट्स। ग्रंट्स का मतलब है जब बच्चे ऐसे करके आवाजें निकालते हैं। जब मैंने भी ये बच्चा ऐसा पहली बार देखा था, आई वॉज ऑल्सो वेरी मच कंसर्न, बिकॉज कई बार जो छोटे बेबी जब बहुत ज्यादा बीमार होते हैं देन ऑल्सो दे कैन ग्रंट। लेकिन लकीली हमारे ओपीडी प्रैक्टिस के अंदर जो बच्चा अदरवाइज खेल रहा है, हंस रहा है और मजे कर रहा है, वेट गेन अच्छा हो रहा है, बट वो कर रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ हमारे पीडियाट्रिशियन कलीग्स जो हैं वो ये मानते हैं कि ये एक टाइप की बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है। और भी कारण है कि बच्चा इस तरह से कर सकता है जब उसे पॉटी के लिए जोर लगाना हो, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आपका बच्चा हंस रहा है, अच्छे से रो रहा है, अच्छे से दूध पी रहा है, उसका वेट गेन अच्छा हो रहा है, ये सारी चीजें लाइकली नॉर्मल है। एज ऑलवेज याद रखिए, इंटरनेट को अपने पर्सनल बच्चे के लिए एक 100% रिलायबल सोर्स मत मानिए, जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से बात करिए। हे, इन द मीन टाइम मेरे पास एक कमेंट आया है, डॉक्टर राहुल हुदागे हैज बीन आस्किंग, नॉर्मल नेजल साउंड्स व्हिच सीम्स लाइक अ वीज। ओके, सो आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट जो डॉक्टर राहुल ने रेज किया है, जो खड़खड़ की आवाज आती है, अगर बच्चे की छाती में से खड़खड़ की आवाज आ रही है, सिंपली आप उसके चेस्ट पे या उसके बैक पे अपना हाथ रख लीजिए। अगर वो आपको आवाज अच्छे से हाथ पे फील हो रही है, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, तो वो मोस्ट लाइकली नोज ब्लॉक की वजह से है। छोटे बेबीज की नाक बहुत छोटी होती है और उनकी नाक बंद होने की वजह से छाती से कंडक्टेड साउंड, खड़खड़ 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 की आवाज आपको सुनाई दे सकती है, ये भी नॉर्मल है। थैंक्स डॉक्टर राहुल, थैंक्स फॉर कमेंटिंग सो दैट आई कुड ऐड दिस। So don't worry about all of these things. और अब last but not the least एक छोटी सी और चीज है जिसके बारे में parents worry करते हैं, जो normal हो सकती है। जब बच्चे उल्टी करते हैं, vomits करते हैं,
तो कई बार स्मॉल बेबीज के नाक में से भी उल्टी आ जाती है, राइट, मुंह में से आई और नाक में से आई। नाक में से उल्टी आना इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम इन स्मॉल बेबीज, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। बच्चा उल्टी क्यों कर रहा है, यू मे नीड टू शो टू अ डॉक्टर, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि अगर वो नाक में से उल्टी आ रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट। एज ऑलवेज बच्चों के बारे में, हेल्थ के बारे में एडवाइस देने के लिए मैं आपका पर्सनल चाइल्ड स्पेशलिस्ट अवेलेबल हूं। अपने कमेंट्स डालिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल आई वांट इज कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैनिक कम करें। याद रखिए, आप भी कभी ना कभी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स रहे होंगे, राइट, या आपके कोई रिलेटिव्स रहे होंगे जिनके बहुत छोटे बच्चे होंगे, और अगर आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकें दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। टिल द नेक्स्ट टाइम, मैं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम चरक क्लिनिक्स मोहाली।